रात में आग लगने की घटना रात में देर रात हुई थी, उसके मामले में अभी तक तो हमारे को ये इनपुट मिल रहे थे कि आग लग गई है, किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई के संबंध में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी। परंतु सरप्राइजिंगली सुबह न्यूज़पेपर से हमारे को पता पड़ा कि व्यापारी ने मीडिया को ये बताया है कि उसके पास कोई विदेशी कॉल आया था। तो अभी ज्ञापन देने लोग आए हैं मेरे पास, व्यापार मंडल आया था, उनके साथ में वो व्यक्ति जो पीड़ित है जिसकी दुकान में आग लगी है वो भी आया है। तो अभी हमने उनसे उनका मूल मोबाइल लेके और उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और परंतु एक इसमें बहुत ही गलत चीज़ हुई कि इन्होंने मतलब उस चीज़ को जो आउट कर दिया, पुलिस के लिए जो महत्वपूर्ण साक्ष्य और सबूत था उसको वायरल करने से उसका महत्व बिल्कुल ही कम हो गया। तो ये बड़ा दुख का विषय रहा है इस मामले में, मतलब एक तरीके से मैं इसको कहूँगा नेगेटिव इम्पैक्ट आया इस मामले पर। मैं तो ये आशा करता था कि यदि इन्होंने ये चीज़ हमारे को जैसे कल रात को मुझे दे दी होती तो हो सकता है कि आज हम उस अपराधी तक पहुँच ही जाते, परंतु ऐसा करने से निश्चित तौर पर ही इस मामले की जांच में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। परंतु फिर भी हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे और जो भी तकनीकी पहलू है और जो भी अभी व्यापारी से उससे भी पूछताछ की जा रही है कि उसके कौन कौन परिचित हैं और कितने लोग विदेश में रहते हैं जिस विदेशी कॉल का है या और भी कोई है, जो मतलब पुलिस को जो आवश्यक पहलू है यहाँ पर कहना तो उचित नहीं है आप लोगों के मंच पर, तो उन तकनीकी पहलुओं पर जाँच करके हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पुलिस अपना 100% प्रयास करेगी कि इस घटना का जल्दी जल्दी खुलासा किया जाए और व्यापारियों के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा हो और वो अपने आप को सुरक्षित नवलगढ़ के अंदर महसूस करें। सर, आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, आपके द्वारा। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, इसमें ऐसा है कि CCTV के लिए मैं पहले भी कई बार अपील कर चुका हूँ व्यापार मंडल से और मैंने फिर अपील की है दोबारा से कि CCTV जो आप लगवाते हैं अपनी दुकान पे तो उसमें से कम एक CCTV आप रोड को डेडिकेट करें, रोड की तरफ उसका मुंह। और CCTV यदि लगाया जाए तो वो केवल बिजली पर आधारित नहीं रहे, वहाँ पे मतलब आप उसको जो कनेक्शन दें वो इन्वर्टर से दें ताकि वो 24 घंटे चले। तो CCTV जहाँ इंस्टॉल किए जाएँ और उसका जहाँ DVR लगाया जाए तो वहाँ ऐसी व्यवस्था होगी उसको 24 घंटे पावर सप्लाई मिले। और दूसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर कम से कम एक महीने का बैकअप रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। कई जगह देखने में आया कि पुराने समय के CCTV लगे हैं, 2-2 दिन का ही बैकअप रहता है, कई बार तो घटना की रिपोर्ट ही मेरे को 5 दिन बाद में मिलती है। वहाँ पे चाहे CCTV लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं, क्योंकि ओवरराइट हो जाता है और ओवरराइट होने के बाद में 2 दिन का ही हमारे को CCTV फुटेज मिलता है। तो एक बार से सभी CCTV को रिव्यू किए जाने की जरूरत है। व्यापार मंडल से अभी जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि एक बार वो सभी CCTV की मेंटेनेंस का काम देखेंगे और उसको देखेंगे कि किस प्रकार से हो रहा है। तो मैंने जो सुझाव दिए हैं तो उस पर इम्प्लीकेशन हो जाएगा और निश्चित तौर पर ही लोगों की सुरक्षा में और चोरी की और संपत्ति संबंधी अपराधों में जो घटनाएं घटित हो रही है उनकी रोकथाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहेगा। नगर पालिका ने एक बताया है कि CCTV की कमांड मेरे पास है, परंतु मैंने ज्वाइन करने के बाद से आज तक CCTV को मेरे सामने नहीं देखा, ये मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। मैंने नगर पालिका को इस संबंध में लेटर भी लिखा है कि आप कैमरों का मेंटेनेंस करें और उसकी कमांड हम थाने में लेंगे, परंतु तकनीकी कारणों की तकनीक है दिन ब दिन बदलती जा रही है और लेटेस्ट टेक्निक आ जाती है, तो हो सकता है ये कोई टेक्निकल इशू इस कारण से वो हमारे से अप्रोच नहीं हो रहा। लेकिन नगर पालिका को लेटर लिखा है, मैं अपेक्षा करता हूँ नगर पालिका अध्यक्ष से कि वो जल्दी इस पर अमल करेंगे और व्यापारियों में सुरक्षा का भाव पैदा करने में पुलिस की मदद करेंगे।